बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। खैर जब हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो यस, जिस तरह आपको पता है हमारे मेहमान जो भी आते हैं उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो सब कुछ करते हैं और खुलेआम करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं खुलेआम। लेकिन हमारे आज के मेहमान हैं अब्दुल्ला जावेद शेख एंड उसामा आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे? वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल सही। तो इसने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, ऊपर से कमीज भी उतार कर आया, मतलब दूसरी शर्ट पहनी हुई थी। हाँ, तो तुम्हारी कमीज इस्त्री हो गई? जी अब हो गई है इस्त्री। बाल भी इस्त्री हो गए? जी बाल भी इस्त्री हो गए। तुम खुद इस्त्री हो गए? जी मैं खुद भी इस्त्री हो गया। ओके जी, चलो जी, दैट्स ग्रेट। कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या करते हो तुम? मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टर हूँ और सरेआम ही होता है, खुलेआम ही होता है। okay. एक्टिंग एक्टिंग कौन सी वाली? एक्टिंग थिएटर एक्टर हूँ मैं। ओह नाइस नाइस नाइस, अच्छी बात। उसके साथ साथ फैसल भाई के शो में होता हूँ, खुश रहो पाकिस्तान में। ओह नाइस। हाँ यस 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 यस। तुम्हारा पार्टनर शराबील? ओह ओके। नहीं मैंने एक खबर सुनी तो मैंने बोला आ हा हा हा। कोई बात नहीं, एक खबर बस, हमारी अंदरूनी खबरें चल रही होती है। सो यस, थैंक यू सो मच हमारे प्यारे से खबरी, पता नहीं कौन था लेकिन शुक्रिया। ये इतना मैं कर रहा है, मुझे लग रहा है ये तुम बकरा, तुम नहीं अंदर से बकरा। ईद पर भी मैं करूंगा। ओ, तुम कटते हो हर बकरा? जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन काटता है तुम्हें? मैं खुद काटता हूं। काबिली? मैं खुद काटता हूं। ये वाहिद बकरा है जो खुद काटता है। दुख है इतना बड़ा के बंदा खुद ही काटता है। क्या करे, कोई है नहीं काटने वाला है। उसामा भाई तो कैसे काटते हो, दिखाओ। इसके पास एक थी, मैं उसने उसका काटा है। मैं इसलिए काटता हूँ खुद, क्योंकि खुद को इंजेक्शन नहीं लगते खुद के काटने से। अरे हमें नहीं पता ये कौन से इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन जो भी इंजेक्शन होते हैं हमें भी वो किसी को वो इंजेक्शन नहीं लगते। हाँ बस वो कोविड के वक्त दो बड़े बड़े इंजेक्शन लगे थे हर इंसान को, लोग भाग रहे थे उन इंजेक्शन से। पर खैर एट द सेम टाइम जो एक लड़की मिसिंग हुई थी, हर इंसान उसकी दुआ कर रहा था कि अल्लाह मियाँ उसको सेफली ले आए दुआ, और फिर पता चला वो 14 साल की लड़की, लाइक बच्ची है, उस निकाह करके लाहौर में बैठी हुई है। फॉर क्राइस्ट सेक, एक जो तुम लोग निबा निबी जो बन जाते हैं ना, मतलब प्यार में इतने पागल, अल्लाह के वास्ते अपनी उम्र का तो लिहाज रखो, उम्र तो आने दो। ये क्या बात होती है कि शादी करके पूरा मुल्क पागल हुआ हुआ है, बच्ची गई कहाँ? पता है ऐसे केसेस की वजह से जो एक ओरिजिनल केस होता है ना उसको भी नॉन सीरियस लिया जाता है। बिल्कुल। सो यस, दिस इज द सेकंड टाइम एक बच्ची गायब हुई थी, एंड गायब होने के बाद पता चला कि बहन जी ने निकाह कर आराम से बैठी हुई थी। इधर माँ बाप सब रो रहे हैं, एंड दैट्स रियली रियली बैड। सो यस, हाँ जी आप बताएं, आप क्या बोलोगे इस चीज पर? मैं यही बोलूंगा कि लोगों को इतना ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए जब तक सही बात पता ना हो। अब बच्ची गायब है 10 दिन से, 4 दिन से, तो इशू हर माँ बाप के उसमें इशू तो आएगा ना, इशू भी आएगा। हाँ बट वो पहले जानकारी करनी चाहिए हर चीज़ की, उसके बाद आपको ये बात ना इतना वायरल करना चाहिए। अब क्या हुआ कि उसको इतना वायरल कर दिया, सब लोगों ने कहा ओहो बच्ची खो गई, बाद में पता चला कि उसका तो माशाल्लाह से सीन है। माशाल्लाह से? हाँ तो ये कौन सा सीन है? अच्छी बात है ना। वैसे खैर आई थिंक 14 इयर्स इज अ वेरी यंग एज, मतलब अल्लाह माफ करे आजकल के बच्चे। 14? She is 14 years old, yes, and it's a very young age. आप फिर भी बच्चे होते हो उस उम्र में, so please, खुदा के वास्ते नई नई जवानी फुटती है तो इसके मतलब नहीं सब तो दिमाग फोड़ दो, इंसान के बच्चे बनो। सो यस, कभी तुम लोग को प्यार हुआ है ऐसा? नहीं मुझे तो नहीं हुआ प्यार। तुम्हें हुआ है? इसको हुआ प्यार मुझे बचपन में, बचपन में होता है। में बैठते हो? मैंने हर बात असिस्टेंट मेरा, इसकी टिकटॉक वीडियोस देखी हैं, इंस्टाग्राम पे इसकी पोस्ट देखी है मैंने। हाँ तो उसकी वजह से मुझे अंदाजा, सबके साथ वीडियो बनाता है इंसान, क्या हुआ? किसके साथ तुमने वीडियो बनाई है? वो एक थी, अलग से थी कोई। कौन थी? एक कौन सी वीडियो? वो क्या होता है मेडिकल टर्म, तुम वो क्या होता है, सीपीआर? हाँ सीपीआर।
ये वाली वीडियो मुझे नहीं पता ये कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं। गाइड होते हैं ना मतलब हां पता नहीं कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं। अच्छा क्या दे रहे थे भाई? भाई मैं वीडियो वीडियो बनाता हूं सबके साथ बनाता हूं। क्या हुआ अभी शो के बाद मैंने आपके साथ भी वीडियो बनानी है? नहीं मैं वो तो एक अलग चीज होती है। यहां आकर हर टिकटॉक आकर बोलता है स्लो मो चले। मैं बोलती हूं भाई क्या हो गया फिर यूं चल रहे टाइम लाइक हो गया स्लो मो चल लो कोई बात नहीं ये बेचारे इतने चलते थोड़ा इतना ही चल सकते हैं हम। ये स्लो करना वीडियो का स्लो करना बहुत महारत का काम है मोबाइल का। अरे भाड़ में जा दो सेकंड का काम है मोबाइल का काम है एक बटन और वो चीज स्लो हो जाए। यही तो कहा मोबाइल के लिए महारत का काम है ना। हाँ कोई बात नहीं मोबाइल के लिए महारत। जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो? जिंदगी में आगे बनना चाहता हूँ एक अच्छा एक्टर और बस कमाना है नाम। ओके नाम आपको पैसे नहीं कमाने पैसे भी कमाने ना पैसे भी कमाने इस इंडस्ट्री में। मैं बता दूं नाम होता है कभी कभी पैसे नहीं होते। मजाक नहीं करे सच नहीं वाकई ऐसा ऐसा अभी चल रहा है हमारे साथ। हाँ यहाँ सब याराना आप उरूज पर होंगे सब आपके दोस्त बनकर काम निकलवाएंगे। जब आप सवाल होगा तो वो भी आपसे सवाल करेंगे भाई आप हो कौन जी। ये एक चीज है तो यस पैसे कमाने पर दिमाग रखो। हाँ ये नाम तो आ ही जाएगा। और तुम बताओ बाल के अलावा और क्या बनाना चाहते हो? मैं अपने बाल अब कटवाना चाहता हूँ। काट दो जी हरकत ही ऐसी काट दो मुंडवा दो। मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ मुझे कोई अच्छी आरी नहीं मिल रही। हर चीज में पता नहीं इसको क्या चाहिए। मुझे अपने बाल कटवाने कोई अच्छा आरी क्यों चाहिए तुमको? मुझे आरी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बाल कट नहीं रहे। इतने साल हो गए इतने महीने हो गए हर बंदा मुझे इसी स्टाइल में देख रहा है। मुझे लगता है कि अब बस कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। तो क्यों नहीं काट रहे मतलब क्या मसला? टाइम नहीं मिल पा रहा है माशाल्लाह मैं मसरूफ हूं। लिटरली एक कुत्ता काटे फिर 14 इंजेक्शन लगे फिर तुम बाल काटो। नहीं वो नहीं काट सकता तुम खुद हो वो। खैर कोई बात नहीं। जिंदगी के सबसे बेहतरीन मोमेंट क्या था तुम दोनों के? जिंदगी का सबसे बेहतरीन तो यही था कि मैं खुश रहूं पाकिस्तान में जब आया था तो वो जो है वो मेरा एक बेहतरीन था। ओके मोमेंट था। तुम? मेरे लिए भी जिंदगी का बेहतरीन मोमेंट यही था जब मैं खुश रहूं पाकिस्तान में आया था। सबको ना खुश करने के लिए आ गया था खुश रहूं पाकिस्तान। और जब मैं खुश रहूं पाकिस्तान करके घर गया था तो एक रात में इतने फैन पेजेस बन गए थे इतनी चीजें हो गई थी मुझे आईडिया नहीं था। रात में ऐसे तुम्हें क्या हुआ एक रात में? मतलब एक रात में मैं बहुत अमीर हो गया ना। मैं शोहरत से अमीर हो गया। शोहरत से? जी शोहरत से अमीर हो गया। अब इंशाल्लाह दौलत से भी होना है। शहर से तो नहीं हुए ये शहरत कुछ दो नंबर लग रही है हमें। नहीं नहीं एक नंबर है एक नंबर शहरत। और सबसे बेहतरीन मोमेंट क्या था लाइफ का? बेहतरीन भी होते हैं बेहतरीन भी होते हैं। सबसे बेहतरीन ये था कि शराबील मेरा पार्टनर बना। ओए हो वो मेरा सबसे बेहतरीन था। और तो वो जबरदस्ती पार्टनर बनाया या तुम लोग को करना पड़ा? वो जबरदस्ती बनाया। तुम लोग नहीं जानते थे एक दूसरे को? नहीं हम नहीं जानते थे। हम शो में आए और शो में आके हमने एक दूसरे को जाना और फिर हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों को एक जोड़ी बनकर एक्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन वो जो फैसला था अब जाके मुझे ये लगता है कि वो फैसला मेरा बहुत गलत था। क्यों? इसका ही मजाक कर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं आप इसकी बातें क्यों आप मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं अरे अरे तो पता चला चाहिए क्या बात है। नहीं 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 पता चला चाहिए क्या बात है। नहीं नहीं आपस की बात है जो बात दिल में वो जुबान पर है वो एक ज्यादा बता होता है ना वो मर्द होता है। नहीं नहीं वैसे ये ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं ऐसी ही बात दोस्त है और बहुत अच्छा पार्टनर है और हम दोनों ने खुश रहो पाकिस्तान में मिलकर 100+ एक्ट्स की हैं मिलकर पिछले 1.5 साल के अंदर। सो ये गलत फैसले अच्छी बात होती है बोलना। जैसे मैं बोलती हूँ मैंने संगीता आपा की फिल्म की थी वो जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। हमने तमीज में आकर दी लेकिन वो हमारी तमीज नहीं रही। खैर तो तुम बताओ तुम्हें क्यों लगता है ऐसे? नहीं गलत फैसला तो नहीं है बस ये कि सही फैसला है। अच्छा अब तुम पलट रहे हो तो तुम डोगले दिख रहे हो ठीक है। डोगला तो ये डोगले हम नहीं हम नहीं हम नहीं ये प्यादा नहीं है तुम्हारा? नहीं 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 है मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा था ऐसे मजाक में कहा था। जिंदगी में कौन सी चीज तुम्हारे सवाल मेरा कोई गलत फैसला है नहीं मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई गलत फैसला कोई होगा। बाल बड़े किए बाल बड़े नहीं मेरा गलत फैसला ये है कि नहीं मुझे याद नहीं अभी। अरे बताओ तो सही क्या क्या है तुमने ऐसे? मेरा गलत फैसला ये है कि बहुत गलत फैसले इसके बहुत गलत फैसले हैं। जिंदगी में इंसान गलतियों से सीखता है ना। हाँ देखें गलती ही इंसान को जो है ना वो सुधारती है। तो मेरी हर गलती कौन सी गलतियां तुम कर चुके हो जो तुम सुधरे हो? मैं अपने हर गलत फैसले पर
अब शुक्र अदा करता हूँ कि चलो मैंने गलत फैसला किया तो फिर मैं उसके बाद सही हुआ। अरे तो बताओ तो सही, एक तो गलत फैसला बताओ। देखिए मुझे मेरे खानदान वाले कहते हैं कि मुझे इस फील्ड में नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट तो पैदा होता है। ओके ठीक है, तो अगर मैं वैसे नॉर्मल इंसान दरख्त से निकलता है, दरख्त से निकलता है, आर्टिस्ट पैदा होता है, आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, बाकी सब दरख्त पर उगते हैं, मिट्टी से निकलते हैं। देखिए आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, कहीं और से हम नहीं निकाल सकते, बस यहीं से निकलते हैं। आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, मेरा कहने का मतलब है आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट तो पैदा होता है। तो अगर मैं सोचता हूँ आपकी बात, अगर मैं पैदा होकर गलती की है तो ये बहुत अच्छा काम किया है, तो अच्छी बात है ना, एवरीवन शुड बी ग्रेटफुल। यस, लेकिन गलती क्या है इसकी? गलती यही है ना, कुछ तो बताओ यार, मेरी गलती सबसे बड़ी गलती, हाँ ये चीज, मैंने चारों में जाया कर लिया, यही सुनने चारों में भी अपनी सेविंग्स दे दी उसके, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं किया, मैं अब्दुल्ला शेख हूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ, वो दिख रहा है, खैर बताओ, लेकिन गलत फैसला अपनी सेविंग कहीं लगा सकता, नहीं एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता, नहीं मैंने कहीं ऐसा टाइम वेस्ट नहीं किया अपना, मुझे नहीं लगता। तुम्हारा स्टार साइन क्या है? क्या है खुद के बारे में नहीं जानते और बोलते मैं तो आर्टिस्ट हूं, तो सिक्की मैं तो आर्टिस्ट हूं, मौला ने मौला नहीं मारता है तो क्या मारता है, डंडा ही मारता है, मौला आप ही मर जाए। खैर कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, लेट्स गो एंड सी। ओके जी जनाब, सो यस इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ चल रहा था और यहाँ किसी ने बोला क्या बोलते हैं इसको ठरक, अब किसने ठरक कहाँ झाड़ी बताओ, रमजान के महीने में लड़के सुधरते नहीं, कितनी गलत गलत बातें कर रहे हैं, वो वाली बात होती है जानू तुम मुझसे बात करो ना शहरी तक, देखिए रोजा मैं तुम्हारी आवाज सुनकर ही बंद करूंगा, प्यार तो प्यार होता है, हाँ नहीं ये ऐसे प्यार होता है, बुखार होता है, प्यार तो उसामा भाई ने भी किया है, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत है, कब कर लिया, पबजी से प्यार, पबजी पबजी से प्यार किया है, मतलब पबजी पबजी में वो जो यूं करके वो, हाँ वो बोलते ना मार 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 पकड़ इसको पकड़ पकड़ होता है वो ना, इमोट करता है वो, हाँ हाय वो डांस वगैरह, यस यस यस, मैं पबजी गई थी डकी की आईडी से, तो हाँ काफी काफी अच्छा लगा, पहली दफा ये सुनने को मिला अजी मतीरा जी मेरे सामने मुझे गोली मारो, बोला अरे क्या जी 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 मारे मारे मुझे कोई मसला नहीं है, ऐसे लाओ ये तो मरने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं मतीरा जी, और लोग यूं करके नाच रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे, मैंने बोला पता नहीं कौन से खाने में आ गई हूँ यहाँ, लेकिन हाँ बड़ा ये जिंदगी में पहली दफा मैंने काफी लोग की जान ली है, इसको तो पबजी से लड़की मिली है माशाल्लाह, शादी भी होने वाली है, शादी कर शादी होने वाली है बहुत जल्द, अबे क्या हो गया गाड़ी, हाँ 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 हाँ, अभी मसालेदार बात है ना इसके पास, कैसे मिली, मैंने लड़की दोस्त है सर, आई यू श्योर वो फातिमा के पीछे कोई फरहान नहीं बैठा, नहीं 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 आई एम श्योर क्योंकि माइक खोलती है वो, तो वो माइक वो भी माइक खोलते, मसला ये होता है वो कैम नहीं खोलते, वो सिर्फ माइक खोलते हैं, ये भी है, हाँ ऐसे नहीं हो तुम फातिमा, लगाओ सकता फातिमा आगे से फरहान आ रहा है, टिन टिन टिन, हाँ नहीं, प्यार कैसे हुआ तुम्हारा, प्यार नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ मुझे, तो क्या लेकिन ये है कि प्यार की एज हो गई है, प्यार मुझे करना, प्यार की एज हो गई, लड़की नहीं मिल रही, मसला ये, तुम कमजोर हो चुके हो, कमजोर नहीं हूँ मैं, तो स्टैमिना बहुत अच्छा है मेरा, स्टैमिना अच्छा है, कहाँ कहाँ भागते हो तुम, मैं 30 मिनट तक भाग लेता हूँ, कहाँ 30 मिनट तक ये भागता है, कौन सी ट्रैक्स पर तुम भागे हो 30 मिनट, मैं ये है कि किसी भी ट्रैक पर मैं तकरीबन 20 से 30 मिनट तक भाग सकता हूँ, वाह, सुन रहे हैं आप, ये 30 मिनट का घोड़ा है इसको दौड़ाओ, ठीक ठाक दौड़ाओ, आखिरी दफा कब भागा था तुमने, आखिरी दफा रमजान से 10 दिन पहले, श्योर रमजान में तुमने कोई ट्रेडमिल वाली नहीं शॉर्टकट वाली, रमजान से 10 दिन पहले, रमजान से 10 दिन पहले, निकलू क्यों ढूंढू क्यों, बंदा घरे घर भाग जाता है, नहीं अब ठीक हो, अब सही हो, ये है कि ईद के बाद, तुम कभी बने हो लकीर की फकीर, जी बिल्कुल बनाऊ, कैसे कौन सी लकीर ने दिखाया तुम फकीर? मैं लकीर का फकीर बना हूँ, बस हमारा एक शो चलता है, कौन सा शो चलता है ये दोनों चलते हैं कहाँ चलते हैं मुझे नहीं पता, इसका शो चलता है लेकिन इतना तो पता ये चलते हैं, एक भागता है 30 मिनट के लिए और दूसरा नहीं, आजकल वैसे सच बात बता रहा हूँ लकीर का फकीर मैं ऐसे बोलूंगा खुद को, क्योंकि उसामा भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसामा भाई को देखकर मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है यूट्यूब पे, तो मैं उस लकीर की बात कर रहा हूँ,
ऑफ कोर्स तो हम भी और कौन सा, मैं तो हाथों की, मैं तो निहायत मैं लकीर का फकीर, मैं हाथ पर लकीरों की बात कर। ये देखें हाथ पे लकीरें हैं, हर इंसान के हाथ में लकीरें होती है। उसामा भाई की क्यों नहीं है? मेरी भी है। अंधे देख लो वो लकीर नहीं है तो ये वाले हाथ की नहीं है। क्यों नहीं है? इस वाले हाथ की तो है, ये वाले हाथ की नहीं है। इसको कैसे पता कौन सा हाथ कहाँ होता है, क्यों होता है? अब बताएं। ये वाले हाथ पे शक है मुझे। अरे ये शायद मुझे तो तुम पर ही शक है। अब तो मैं बोल रही हूँ, तुम ये बाल अगर तुम गलती से भी अगर इसको यू करते हुए देखा ना, मतलब इसके अंदर वो बड़ी डेंजरस है। लड़के तुम तो गए हो। मैं भी यही बोल रहा हूँ। तू तो गए हो। क्यों? तेरे तो हो ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता इससे। तेरी सिर्फ एक पिच है जो पिच भी है। खैर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back. तो खैर तुम लोग एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हो? जी हाँ। कौन से वाले? हमने बहुत से गेम्स साथ खेले हैं। कोई एक बता दो। खुश है पाकिस्तान में हमने बहुत से गेम्स खेले हैं। बस भागे नहीं। क्रिकेट खेली है। शुगर बना भागे रहे साथ। क्यों भागना है साथ? ऐसे नहीं करते। इसका शो कर रहा है। मुझे इसने ऑफर की थी एकदम भागने की। मैं क्यों करूंगा तुझे ऑफर? इसने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं। सुनो तुम लोग एक अलग जोड़ी बन जाओगे और वो जोड़ी अच्छी नहीं होगी। वो जोड़ी पर फूल नहीं मिलेंगे, हथौड़ी मिलेगी। वैसे इत्तेफाक है, हमेशा जब भी मैं रमजान का कोई शो करता हूँ ना तो ये मेरे साथ ही होता है। पिछले साल भी ये मेरे साथ था गेम शो में। आज मैं रमजान में यहाँ हूँ तो यहाँ भी ये मेरे साथ है। मुझे लगता है ये मुझे कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो? तकरीबन मैं इसको जानता हूँ 4-5 साल से ना। ये बोल से पहले का दोस्त है मेरा, पाकिस्तान स्टार से पहले का दोस्त है। रियली? जी मेरी एक दोस्त थी, उसके रेफरेंस से मेरा दोस्त था। ओके, ये कौन सी दोस्त थी जिसकी? ये नहीं बताऊंगा, ये यही बताएगा। वो एक दोस्त थी जो कि मेरी भी दोस्त थी, इसकी भी दोस्त थी, उसके थ्रू इसकी ज्यादा अच्छी दोस्त थी, इसकी ज्यादा। तो ये बताएगा क्यों तुम लोग एक ही फील्ड पर भाग देते? भागता हूँ, हम लोग एक ही फील्ड के हैं लेकिन साथ कभी नहीं भागे। दरअसल एक ही फील्ड पर भागते थे लेकिन साथ नहीं भागे, ये बकवास है। अच्छा मैं नहीं भागा, ये वो फील्ड में बड़ा मसला था। मैं फील्ड कट गई, तुम दोनों दोस्त बन गए। मैं एक्टर हूँ, भाई डांसर है, और वो जो हमारी दोस्त थी वो भी डांसर थी। ओके। तो मैं फिर आता था वहाँ पे इनके शूट्स वगैरह पे। हाँ। तो फिर वहाँ पे हम दोनों, तुमने फिर फसा लिया उसको? नहीं, उसको तो वो रास्ता की शूट पे भी थी हमारे साथ। रास्ता की शूट पे भी थी वो हमारे साथ। ओके, तो तुमने इसको फसाया? मैंने इसको फसाया। इसको पता नहीं है बोलना क्या है अभी, ये बस बोल रहा है ना, ये बोल रहा है बहुत बारी भोकला गया है ये, अभी तो समझ नहीं आ रहा। रोजे कितने रखे? रोजे सारे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे रखते हैं। तुम? पूरे रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फ्रिज में पूरे रखते हो? नहीं नहीं, वो एक दाढ़ का। वेरी नाइस, एक दाढ़ से खा सकता हूँ मैं। वाह, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं रखते, प्लीज ऐसा नहीं किया करो। खैर कोई बात नहीं, सबसे फनीस्ट मोमेंट जो इस रमजान में तुम्हें तुम्हारे साथ हुआ है? मेरे साथ या उसका? पहले उसका बता देता है। आप बताना पहले यार, हर चीज मुझे आगे कर देता है यार। मैं भी सोच रहा हूं, ये बंदा हर चीज मुझे आगे कर देता है। फनी मोमेंट अगर आप बता दो ना यार, जब आपके पास है तो यार वो वाली बात बता दे। कौन सी बताओ ना। वो इसको पता ही नहीं है, कोई दूसरी बात बता देगा। यार मेरे साथ एक सीन हुआ था। हाँ। अभी हम लोग नाइट मैच खेल रहे थे। हाँ। तो बॉल आती है, एक फील्डर बॉल पकड़ रहा है, मैंने उसको बोला हट जा, उसने बॉल ड्रॉप किया। ठीक है, तो जब मैं बॉल पकड़ने के लिए गया ना, उसी बंदे ने दोबारा हाथ मार दिया उस बॉल पे, और मैं गिरा हूँ, बहुत बुरे तरीके से गिरा हूँ मैं, और मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। बॉल मेरे हाथ में आते आते गिर गया, और उसकी वजह से मुझे बहुत चोट भी लगी है। देखे तो तुम भी चल रहे थे ना? हाँ, मैंने कहा शायद मैं पकड़ के हीरो बन जाऊंगा, लेकिन हाँ ये कभी कभी हो जाते हैं जिंदगी के, एक उसूल होता है, बड़ा गंदा उसूल होता है। खैर हाँ जी, मेरा फनीस्ट मोमेंट याद नहीं आ रहा मुझे कुछ। रमजान में कुछ तो हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। एक हुआ मेरे साथ, एक मेरा एक दोस्त है यासिर, यासिर को जानते ना, यासिर सोरवदी। ओके, वो कौन? अभी ऊपर जब मैं आ रहा था, ये अभी की बात है, तो मैं कब में ना
मेकअप करवा रहा था मैं, तो जब मैं नीचे उतरने लगा ना उससे पहले मैं मेकअप करवा रहा था, तो मैं बैठा हुआ था तो मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी म्याऊ म्याऊ। ये कौन है यार ये म्याऊ म्याऊ कर रहा है? इसके अंदर की पुसी कैट निकल आई। वो उसकी कोई नई नजम आई है। वो बोलता है बच्चों मैं जा रहा हूँ इफ्तारी करवाने, ठीक है? तो एक बच्ची बोलती है मैं आऊँ, फिर एक बच्चा बोलता है मैं आऊँ, फिर उसका बिल्ली बोलती है मैं आऊँ। यार एक मिनट, अभी उसने ऊपर ये मतलब ये वीडियो बन चुकी है, बन गई वीडियो। ओके जी चले हम आप लोग को दिखाते हैं ये वीडियो, ये छोटा सा क्लिप हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये दिखा ले लाइव है कच्चा बादाम। मुझे अभी पता चला कि उन्होंने डिलीट कर दिया यूट्यूब से, लेकिन ये कहीं ना कहीं होगी। खैर ये तर्ज कोई बात नहीं, अब तो मैं उन्हें वापस बुलाऊंगी और बिल्ली भी लाऊंगी। वो जो तर्ज है ना उसका, हाँ। वो कच्चा बादाम का तर्ज है शायद, इसमें सॉन्ग का था तर्ज ना, रमजान रमजान आया रमजान रमजान। अभी मेकअप में मुझे पीछे से बोलता है तुम तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे लाइव आने का। मैंने बोला आ जाएंगे यार लाइव मिलना यार, हो कौन आप बोल रहा है म्याऊ म्याऊ। अरे नहीं he's a sweet person and बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा इंसान है, बस उनकी क्रिएटिविटी कुछ नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल वाकई बहुत ही नेक्स्ट लेवल। वो जब भी कोई चीज देता है ना वो ट्रेंडिंग पे होता है, हाँ वो ट्रेंडिंग पे होता है, वेरी ताहिर शाह वाली यू नो कंप्लीटली। लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी लाइक दिस क्योंकि इट्स फनी इट्स नाइस इट्स हार्मलेस एंड एट द सेम टाइम इट्स आल्सो गिविंग अ नाइस मैसेज। मुझे वो क्रिएटिविटी सख्त उस चीज के खिलाफ होती हूँ। वो नुमान वो कौन है वो जो अजीब सा एक नुमान पतला सा सफेद सा और एक वो जो भाई जान यू नाचते रहते हैं अपनी कमर मटकाते रहते हैं समथिंग एलेक्स भट्टी ये एंड नासिर खान जान अच्छा था जब से उसने केले मुंह में घुसाने लगा ना। मैंने बोला क्या हो गया भाई, कभी केला तो कभी मैं दो दो केला खा लूंगा, मैं तीन तीन क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है पानी वाले बलून। हाँ और एक वो नुमान खान दी लेजेंड वो छोटी सी अजीब एनोरेक्सिक चुईया। हाँ अरे यार। तो खैर It was really messed up and I believe ऐसी चीज़ें ना क्योंकि बच्चों का दिमाग एक एक raw चीज़ होती है तो उन लोगों को पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है और ऐसी चीज़ें ना बच्चों को कंफ्यूज करती है। I think that. So I still believe यासिर सुरवती so you're doing a good job क्योंकि वो बड़ा एक अच्छा एक फनी अंदाज में हम हंसते भी है और वो चीज़ क्रिंज वर्दी नहीं है ठीक है। इट्स गिविंग अ गुड एक अच्छा पैगाम है तो मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करूँगी। कीप इट अप, आप कच्चा बादाम पर लाए या पक्का बादाम पर लाए वी सपोर्ट यू। बट खैर रमज़ान में कुछ अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा किया। क्या बहुत अच्छे काम किए, खैरात दी, गेम शो तो तुम लोग बंद है ना? नहीं नहीं गेम शो चल रहे हैं, हम गेम शो में नहीं है। खुश रहो पाकिस्तान बंद है, खुश रहो पाकिस्तान बंद है। सॉरी दानिश फैसल भाई वाला जी जी भाई का शो बंद है तो वो क्यों बंद है? क्योंकि फैसल भाई ट्रांसमिशन कर रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन। हाय यस ये भी बात होती है कि सारे लोग कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक गेम होगा वो आप लोग को खेलना होगा, डब्बे होंगे डब्बों को खोलना होगा, डब्बों को खोलने के बाद पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद होठ हिलाने नहीं है आवाज निकालनी नहीं है सिर्फ इशारे करने हैं गंदे गंदे नहीं अच्छे अच्छे। और वो हम जीतेंगे। सो यस अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्टेशन। गेम्स आ गए हैं यहाँ, हम आप लोग के साथ गेम खेलेंगे। जिंदगी ने तो खेल लिया, सोचा हम भी खेल लिया आप लोग के साथ गेम। खैर कोई बात नहीं। ओके मुझे एक बात बताओ, अगर तुम जिंदगी में किसी के साथ लाइफ स्विच करना चाहते वो कौन होता? लाइफ स्विच मतलब? मतलब तुम अपनी जिंदगी उसको देना चाहते और उसकी लेना चाहते जिंदगी, तो वो क्या? अच्छा, अच्छा। किसके साथ? तो वो किसके साथ होता? तो वो मेरे ख्याल से फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफा, आह वेरी नाइस। तुम? जुनैद जमशेद। ओके लेकिन ही इज नो मोर सो। जुनैद जमशेद, वसीम बदामी। वसीम बदामी, हाँ
That is a good choice. ये मरना चाहता है? नहीं नहीं. चुरी लाओ. यार. हाँ? Yeah, Junaid Jamshed is really really nice. लेकिन it's like a huge loss. लेकिन क्या करे? अब वो तो नहीं है दुनिया में. हम जिंदा लोगों की बात कर रहे थे. तुम तो सीधा ये गम में है. ये गम में है और चूं गम बना हुआ है. खैर कौन आ गया पहले खेलने के लिए बताएं. पहले अब्दुल्ला जाएगा. Guess the situation. जी हाँ, guess कीजिए जल्दी जल्दी. जब बोलो one. Number one. अब्दुल्ला भाई जीतना है. One करके खुद ही खोल लिया. आप इधर आ जाएं. हाँ हम. Okay जी. तो हो जाए मुकाबला. किसका साबुन है? Ready? छोटा. अच्छा है क्या चीज? यार ये बड़ा फजूल में मशहूर हुआ है. डायलॉग है ये. अच्छा डायलॉग है. है ना जी. टाइगर श्रॉफ का. अच्छा टाइगर श्रॉफ बड़ा मेला डायलॉग है. अब तो कर लूंगा मगर. स्टार्ट स्टार्ट करो ना. छोटी छोटी बच्ची हो गया. यार छोटी छोटी बच्ची. अरे छोटी बच्ची हो गया. मार के रख बिठा दिया. और छोटी बच्ची. चलो नंबर सिक्स. खुद ही बोल रहे नंबर वन नंबर सिक्स. खुद ही ये वो लोग होते हैं खुद ही खोलते खुद ही खुश होते हैं. खुद ही गेस करते हैं खुद ही एक्ट करते हैं. ये भी डायलॉग है. चलो यार ये किस फिल्म का डायलॉग है ये नहीं पता लेकिन ये डायलॉग कर लेंगे. कैसे तू क्या आप वही बोलना. मेरे पर क्यों आ रहा है. तेरी मुस्कुराहट तू आप तू से आगे जाओ ना. तू से आगे जाओ बिफोर थू थू हो जाए तुम पर. एक दो तीन चार पांच. ये क्या है? पांच लफ्ज है. तुम्हें पहला लफ्ज है. तुम्हें अच्छा है. तुम्हें मुस्कुराना. तुम्हें तुम्हें खिलखिला. क्या करते हो शराबी के साथ? एक्टिंग. एक्ट नहीं कॉमेडी. तुम्हें हंसाना. अरे तुम्हें कॉमेडी. यस यस. कॉमेडी नहीं आती. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. तुम्हें कॉमेडी बिल्कुल नहीं आती. वाह अच्छा तुम्हें कॉमेडी बिल्कुल नहीं आती. वाह वाह पता नहीं किस फिल्म का डायलॉग है. अरे भाई आदत है ना. थ्री. अच्छा तो खोल ना भाई. ये करना मुझे जैसे. हाँ यार ये बड़ा रमजान के बाद क्या आता है. ईद की शॉपिंग. ईद की शॉपिंग. वाह करने चलो. ईद की शॉपिंग. आपने ईद की शॉपिंग की. इंसान 20-30 मिनट तक भागता है वो यहाँ क्या कर पाएगा. देखते हैं. आप इधर आ जाए. तीन नंबर. नहीं दो नंबर करना तो इसने है ना. वाह ओहो है तो इजी. यार ये बड़ा आसान है लेकिन बड़ा अब इसके समझाने पर है. लफ्ज़े आसान है. हर इंसान ये काम करता है. हर इंसान. नो होम. नो घर. नो घर ने अंग्रेजी है बाबू. एक चूहा. अरे इट्स इंग्लिश. नो होम. थ्री टू. नो होम. No home, no home, no home. No home, no house. अरे no, no walk. चला गया ये लेकिन यार एक, ये एक बार यू ये क्या होता है. Street. नहीं ये ये wave. Yes. Wave. No. No. No home, no way. 5, 4, 3, 2, 1. No home, no way. बताओ क्या था? No way home. यार home बोले जा रहे हैं. मैं कह रहा था तीन बार. चीज बता रहे हैं. मैं कह रहा था तीन बार. No way home. Home तो पहले way करना था ना. अरे तो मैं तुझे समझा तो रहा था कि no.
चलो कोई बात नहीं, ये समझाता नहीं है, ये समझता नहीं है, समझा नहीं सकता ये, तुम छोड़ो, तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे सर में इतना बोझ पड़ा हुआ है, ये भी बड़ा मशहूर डायलॉग है, ओए यार अगर आप किसी के घर चले जाओ अबे बहुत मुश्किल है, 5-6 बजे तो क्या क्या वो इंसान बोलता है, रात के या सुबह के, सुबह की क्यों किसी के घर जाओगे, वो बड़ी दरिंदगी वाली चीज होती है अगर कोई सुबह किसी के घर नहीं, और अगर रात में जाए वो भी गलत है, अगर रात में दोपहर में जाओ ना, देखे सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे जी, हाँ, किसी के घर जाना है, हाँ, अब ये देख वो आपको क्या बोलेगा स्पेशली इस महीने में, अब ये देख 4 वर्ड है, पहला वर्ड है तू, तुम, आप, तेरा, तुझे, वाई से शुरू होता है, यू, ये तुम्हारा क्या है, दोस्त, नहीं ये तुम्हारा क्या है, भागने वाला साथी, यार नहीं अल्लाह नहीं, उर्दू में बोल, उर्दू में दोस्त को, दोस्त, फ्रेंड, यार, हाँ यार के साथ, यार खाना, यार पीना, अरे पीते नहीं है इस महीने में, क्या हो गए, खजूर, तुम तो लंगूर, यार खजूर, दुआ, अबे गलत समझा रहा है यार, मैं सही समझा रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1 यार इफ्तार करके जाना, देखो तो इफ्तार कर रहा है ना, तो ये दुआ खजूर से समझा रहा हूँ, अरे इफ्तार करना, इफ्तार इस महीने में अगर आप किसी के घर जाओ 6 बजे तक या वो यही बोलते हैं ना, अच्छा क्या यार इफ्तार करके जाना, वो यही बोलते हैं ना, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गलत गलत सोच, गलत जीरो चल रहे, गलत सोच, डबल मीनिंग बातें कर रहा है, इशारा ये कर लेगा गैस, चले जी ये कर लेगा गैस, अब ये भी बड़ी नॉर्मल, यार ये बड़ी नॉर्मल बात है, ये मैं तुम्हें अभी बोलूंगी उल्लू ऐसे तो मैं ये देख आंख पलक, आंख खोल के, खुली आंख खोल के रख, आंख खोल के रखना, आंखें खोल कर रखना, वाह नहीं नहीं नहीं, आंखें आंखें खोल कर, करीब है थोड़ी सी करीब है, आंखें ही है लेकिन आंखें देख नहीं आंखें खोल, ये है बिना वर्ड सही है, 5, 4 बेचारे को सही कर, थोड़ा आंखें खुली रखो, खोल के रखना, खुली रखो, चले जी बात, ओए यार फेल हो गया यार, बिल्कुल फेल, बताना नहीं आता इसको, जोड़ी अच्छी नहीं हमारी, बहुत अच्छी है भाई, बताना नहीं आता इसको, तुम्हारी पहले वो शराबील के साथ भी जोड़ी तुमने बोला नहीं बनी, अब इधर भी तुम बोल रहे हो नहीं नहीं बनी, तुम्हारी तुम्हारे दर्द में दोगला है, नहीं नहीं नहीं, मेरा जो टेस्ट है ना वो ऐसा नहीं है, लड़कों वाला नहीं है, क्या मेरा टेस्ट लड़कों वाला, क्या बात बोल दिसते, ओहो टेस्ट की बात कर रहे हैं, लड़का लड़की हमें समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे टेस्टों से दूर रहते हैं, लेकिन एक और टेस्ट की बात यह है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड, आप लोग देख रहे हैं एक छोटे इंसान को, तुम ब्रेक में सो कैसे गए, इतने आ रहे ब्रेक, हर जगह सो जाते हो, इतना ब्रेक आ रहे, सो जाते हो, इतना अच्छा शो जा रहा था, हाँ एकदम से आगे ब्रेक्स, तो फिर ब्रेक नींद आ गई होता है ना, जिंदगी में हर चीज में ब्रेक, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, फिर उस चीज का मजा किसे पता चलता है, खैर कोई बात नहीं, मजा एक और आने वाला है, हेडफोन गेम्स हम खेलेंगे, किस कौन होंठ अच्छी तरह पढ़ सकता है बता, मैं होंठ अच्छे तरह पढ़ सकता हूँ लेकिन लड़कियों के लड़कों के लिए तुम्हें इसके पढ़ने हैं, बालों को देखकर तुम बस यही समझो कि ये लड़की है, बालों पर फोकस रखना, बालों पर फोकस रखो, लेकिन मुझे जा रही होंठों के पर वो यार बस अब चुप हो जाओ ना, चले जी आपको लिप सिंक करनी है एंड इशारे बिल्कुल नहीं करने, ठीक है, म्यूजिक नॉक नॉक, मेरे होंठ नहीं पढ़ने, इसके होंठ पढ़ने, लुक लुक हियर, कोको, लॉक, नॉक, नॉक, आवाज तो निकाल सकते हैं, लॉक, लॉक, नॉक, नॉक, क्या बात है, एक चीज, हाँ जी, अब जो, अब जोड़ी अच्छी चल रही है, पानी पी लो, पानी, पानी, पानी
पी लो, पानी पियो, पी लो पानी, पी लो। क्या होंड पड़ रहा भाई? भगा दो, भगा दो, सॉरी। अच्छा, बाइक 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 भगा दो। चल भैया देख, बाइक बाइक, पानी बाइक, पायल बाइक, पानी बाइक, पाली बा, पा बा, पा बा, प्यार बा, फाइव बाइक, फोर थ्री बाइक भगा ले, बाइक बढ़ाई, बाइक भगा ले, बाइक भगा ले, बाइक बाइक भगा ले। चलो जी, लेकिन कोई बाइक भगाओ, चलो जी अब की बारी है। हां चलो, कोई नहीं कोई नहीं, तुमने अच्छा किया, बुरा नहीं किया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नॉट बैड, नॉट बैड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बैठ जाएं आप लोग। टिश्यू ले लो पागल, पागल टिश्यू ले लो पागल, हां टिश्यू टिश्यू ले लो, ले लो। ये तो मुझे लग रहा है इन लोगों का अंदरूनी मजाक चल रहा है। टिश्यू मांगे थे यार, अबे खेलना क्या, क्या चल रहा है, शूट कर रहे टिश्यू। टिश्यू तो हर कोई इस्तेमाल करता है ना। अच्छा ना दूसरा, लेकिन जिस तरीके से तुम हाथ लगा लगा कर इस्तेमाल करवा रहे हो ना, उस मेरी फेवरेट लाइन थी, टिश्यू ले लो। बहुत है ये क्यों ऐसे, ओके खैर कोई बात नहीं। चौरंगी से जाना, चौरंगी चॉकलेट, चौरंगी चो चो रंगी चॉकलेट, चो चो रंग लेन। अबे यार चौरंगी से, चौरंगी चॉकलेट है, चो चो रंग लेट जी, थ्री ले टू, अच्छा चोले नहीं, चोको 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 चोको, नहीं 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 चोको भी नहीं है, हटाए हटाए हटाए, बताओ चौरंगी से जाना। ओए यार वक्त हमारा यहाँ पूरा होता है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अलविदा करने का वक्त है जी। हाँ आप लोग एक दूसरे को अपने व्लॉगिंग श्लॉगिंग के बारे में आवाम को कुछ बताना चाहोगे, प्लीज गो अहेड। पहले मैं बताना चाहूँगा, अब्दुल्ला जावेद के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, अब्दुल्ला जावेद ऑफिशियल, वहाँ पर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। एक डांस का चैनल ऑन करूँगा जिसके ऊपर ट्यूटोरियल्स भी जाएंगे और मेरे यू शॉर्ट्स और डांस की वीडियोस भी जाएंगे, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, उसामा असलम मेरा नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यूट्यूब पर भी मैं इसी नाम से हूँ और इंस्टा पर भी इसी नाम से हूँ। बस अपना बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें मुझे। ओके जी, खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ जनाब, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, बी अ गुड पर्सन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी, वो बड़ा मैटर करता है। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।